नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ह्युंडई वर्ना का एस वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, ह्युंडई की सभी कार्स के प्राइजेस हाल ही में बढ़ाए गए हैं, तो अगर आपने उसका वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो वीडियो का लिंक कार्ड्स में आ गया है, अभी के अभी जाके उसे देख लें। दोस्तों बात कर लेते हैं इस वेरिएंट की। तो दोस्तों, ये एस वेरिएंट ह्युंडई वर्ना का पहले बेस वेरिएंट हुआ करता था, बट रीसेंट प्राइस हाइक के साथ साथ ह्युंडई ने इस गाड़ी में एक और नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, ई वेरिएंट। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट चुनना चाहिए और साथ ही एस वेरिएंट के बारे में सारी जानकारी भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपको गाड़ी की तरफ लेके। उससे पहले दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये गाड़ी कम्पीट करती है होंडा सिटी, मारुति सियाज, स्कोटा रैपिड और फोक्स वैगन वेंटो के साथ। चलिए दोस्तों, आप गाड़ी देख लीजिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक मिलेगा, ये डार्क क्रोम ग्रिल मिलेगी, नीचे डिफ्यूजर पे भी क्रोम फिनिश दी गई है और काफी अच्छा फ्रंट लुक इस गाड़ी का दिखाई देता है। बात करें दोस्तों हेडलाइट्स की, तो हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगी आपको इस गाड़ी में और फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। चेकआउट कर लें, हाउसिंग दी गई है, आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल की तरफ, तो चेकआउट कर लें। स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स मिलेंगे आपको 16 इंचेस के। दोस्तों टर्न इंडिकेटर दिया गया है ओआरवीएम पे और लाइनिंग आप देख पा रहे होंगे। फुल साइड प्रोफाइल दोस्तों इस गाड़ी का आपके सामने है। दोस्तों डोर हैंडल्स बॉडी कलर दिए गए हैं और साथ ही बात करें तो ये गाड़ी काफी अच्छी सेल्स करती है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, चेकआउट कर लें। तो दोस्तों, इस गाड़ी में एक आपको प्रीमियम फील जरूर आएगी। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं रियर लुक की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे कुछ आपको टेल लैंप्स प्रोवाइडेड है, ये देखिए नीचे डिफ्यूजर दिया गया है, एयरवेंट मिलेगा आपको। चेकआउट करें, क्रोम लाइनिंग का यूज किया गया है लोअर बम्पर पे। चेकआउट करें दोस्तों, वर्ना की बैजिंग आपको मिल रही है। दोस्तों कुछ खास फीचर्स वर्ना के टॉप एंड के दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ चेकआउट कर लें। दोस्तों ये सभी हाईलाइटेड फीचर हैं ह्युंडई वर्ना के टॉप एंड ट्रिम के साथ ही टर्बो वेरिएंट के। दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगी, बट फिर भी ये गाड़ी काफी स्पेशियस और फीचर लोडेड है। स्पेसिंग का एक आइडिया दे देते हैं आपको, तो दोस्तों काफी अच्छा हेडरूम मिल रहा है। इसी के साथ मेरे साइज के हिसाब से सीट एडजस्टेड है। और चलते हैं रियर की तरफ और चेकआउट करते हैं वहां आपको कैसा स्पेस मिलता है। तो दोस्तों लेगरूम और हेडरूम दोनों ही काफी अच्छा मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स, जो काफी कन्वीनियंट रहता है। और दोस्तों जैसे कि दिल्ली की गर्मियां हैं, तो रियर एसी वेंट होना आजकल कार में बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो डुअल टोन फिनिश में इंटीरियर्स मिलेंगे, सारे स्विचेस मिलेंगे, बॉटल होल्डर मिलेगा डोर में, साथ ही स्पीकर मिलेगा। दोस्तों एसी वेंट्स में इसमें भी अच्छी फिनिश करी गई है क्रेटा से सिमिलर, और ये आप चेकआउट कर सकते हैं स्टेयरिंग व्हील। दोस्तों यहाँ एमआईडी कंट्रोल्स, ये ऑडियो कंट्रोल्स, चेकआउट कर लें। दोस्तों ऐसा कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देता है और प्रीमियम फील इस गाड़ी में बैठते ही आ रही है। कीज चेकआउट कर लें दोस्तों, तो दोस्तों फ्लिप की मिलेगी आपको इस वेरिएंट में, और ये देखिए की स्लॉट गिवन है, तो मीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है और स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में आपको मिसिंग मिलेगा। दोस्तों बाकी चीजों की बात करते हैं, तो सबसे मेन हाईलाइट इस चीज की ये देखिए दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम। दोस्तों ये आपको फिनिश काफी अच्छी दिखाई देगी, एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे चलते हैं तो दोस्तों यूएसबी सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट, गियर लीवर, दोस्तों लेदर फिनिश नहीं मिलेगा, कप होल्डर्स गिवन है, हैंड ब्रेक गिवन है, आर्मरेस्ट के अंदर काफी अच्छी स्पेसिंग का यूज किया गया है, ये देखिए दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों और चीजें दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले चेकआउट कर लें। ग्लव बॉक्स में काफी अच्छी स्पेसिंग और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा आपको। इसी के साथ सीट फैब्रिक चेकआउट कर लें, क्रीम कलर में मिलेंगे आपको। और देख लेते हैं डोर, ये हैंडल्स दिए गए हैं, साथ ही मिरर प्रोवाइडेड है आपको पैसेंजर साइड, केबिन लैंप्स, ऑटो डिमिंग, आईआरवीएम नहीं मिलेगा, ये देखिए दोस्तों सनग्लास होल्डर। इसी के साथ चलते हैं ड्राइवर साइड में भी आपको मिरर प्रोवाइडेड है, जो कि एक काफी अच्छी बात हो जाती है, ये देखिए दोस्तों
साथ ही और चीजों की बात करें तो सबसे पहले आपको रियर स्पेसिंग दिखा देते हैं। चेकआउट करें दोस्तों, रियर में भी सिमिलर फिनिश, एसी वेंट हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और ये चार्जिंग सॉकेट मिस कर दिया था। साथ ही में आर्मरेस्ट और रिक्लाइन एंगल भी सीट्स का आपको काफी अच्छा मिलेगा। अब इंजन दिखा देते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है और दोस्तों जिस ई वेरिएंट की हमने बात करी थी उसमें भी यही इंजन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इंसुलेशन अंडरहुड प्रोवाइडेड नहीं है। चलिए दोस्तों अब लाइटिंग का रिस्पॉन्स चेकआउट करा देते हैं। तो ये देखिए हेडलैम्प्स, हाई बीम लो बीम आपके सामने है। इसके बाद इंडिकेटर चेकआउट कर लें, फॉग लैम्प्स नहीं प्रोवाइडेड। इसी के साथ चलते हैं अपने रियर लाइट्स की तरफ और वहां भी आपको दिखाते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। दोस्तों रियर में लाइटिंग दिखाने से पहले आपको एक बूट स्पेस का आइडिया दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फुल साइज ट्रॉली बैग रखा गया है और उसके बाद भी काफी अच्छी स्पेसिंग ये Hyundai Verna आपको प्रोवाइड करा सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पेयर व्हील चेकआउट कर लें तो दोस्तों ये भी स्टील व्हील मिलेगा और यहाँ पे भी कुछ वायर्स एक्सपोज्ड मिलेंगी आपको। दोस्तों बूट बंद कर देते हैं, यहाँ पे आपको दो लाइट्स मिलेंगी नंबर प्लेट के लिए और Hyundai की बैजिंग देख लें। दोस्तों यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस्ड है और ये आपके सामने है शार्क फिन एंटेना। चलिए दोस्तों अब लाइटिंग रिस्पॉन्स आप चेकआउट कर लें। तो दोस्तों ऐसी कुछ ब्रेकिंग मिलेगी आपको, ये देखिए, और पार्किंग आप देख पा रहे हैं, ये रिवर्स और ये इंडिकेटर्स आपके सामने हैं। दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ये गाड़ी आपको कैसी लगी और अब आपको सुना देते हैं म्यूजिक सिस्टम। चलिए दोस्तों Thank you.